आईपीएल 2024 के सीजन में तो अभी समय बचा हुआ है, लेकिन आईपीएल 2024 के सीजन की तैयारी में मुंबई इंडियंस की टीम अभी से लग चुकी है। जहां दोस्तों एमआई की टीम आईपीएल 2024 के सीजन की तैयारी में पूरी तरीके से लग चुकी है और एमआई की टीम की ओर से काफी सारी बड़ी खबरें भी बाहर निकल कर आ रही है। तो सारी बड़ी खबरें आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आई है। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2024 का सीजन, तो इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खास आईपीएल से जुड़े हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं पहले बड़े अपडेट की। लेकिन दोस्तों आज जो मैच होने वाला है इंडिया और श्रीलंका का, उसे आप अपने मोबाइल के ऊपर देखना चाहते हो। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ा है मैच और आज फाइनल मैच है एशिया कप 2023 के सीजन का। अगर आप बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हो कम से कम इंटरनेट के अंदर और अच्छी क्वालिटी के साथ में, तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में हम हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देने वाले, आप लोगों को जाकर फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और दोस्तों अगर टीम इंडिया ये फाइनल मैच जीतती है एशिया कप 2023 के सीजन का, तो हम जर्सी भी गिव अवे करने वाले हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो जाकर फटाफट इस मौके को मिस मत कीजिए, जाकर फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लगभग हम 10 जर्सियों का गिव अवे करने वाले अगर टीम इंडिया जीतती है तो ज्यादा बड़े कुछ इसकी दोस्तों फॉर्मेलिटी नहीं, आपको जाना है टेलीग्राम चैनल के ऊपर और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक देने वाला हो और 10 लाख विनर में आपका भी नंबर लग सकता है अगर टीम इंडिया आज का मैच जीत जाती है। तो जाइए टेलीकास्ट भी कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आज का मैच, तो जाकर फटाफट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से कौन सी बड़ी खबरें बाहर निकल कर आ रही है। दोस्तों सबसे बड़ी खबर है एमआई की टीम की ओर से निकल कर आ रही है पेनी स्टोक को लेकर। जहां दोस्तों एमआई की टीम के पास में आईपीएल 2024 के ऑक्शन में खर्च करने के लिए अच्छा खासा पर्स बैलेंस रहने वाला है, क्योंकि एमआई की टीम काफी बड़े खिलाड़ियों को भी हमें रिलीज करते हुए दिखने वाली। और दोस्तों जो चेन्नई की टीम है, चेन्नई की टीम के पास में पेनी स्टोक मौजूद है, जिनका की आईपीएल में काफी खराब प्रदर्शन रहा था और काफी एक्सपेंसिव प्राइस में चेन्नई की टीम ने इनको परचेज किया था और अपनी टीम के अंदर इंक्लूड किया था। और दोस्तों चेन्नई की ओर से काफी बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है या फिर काफी बड़ी न्यूज निकल कर बाहर आ रही है कि चेन्नई की टीम हमें दोस्तों पेनी स्टोक को रिलीज करते हुए अपनी टीम की ओर से दिखने वाली आईपीएल 2024 के ऑक्शन का हिस्सा बनते हुए बैनी स्टॉक नजर आ सकते हैं। और दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम, गुजरात की टीम और भी एक दो टीमें हमें बैनी स्टॉक के ऊपर बीटिंग करते हुए दिखने वाली इस ऑक्शन के अंदर। एमआई की टीम अपने फिनिशर को, यानी कि जो फिनिशर्स का लाइनअप रहता है एमआई की टीम का, उसमें टीम डेड और भी एक दो खतरनाक खिलाड़ी मौजूद है, एमआई की टीम उसे और स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। तो इसलिए एमआई की टीम दोस्तों बैनी स्टॉक को अपनी टीम के अंदर शामिल करने वाली है और बैनी स्टॉक आईपीएल 2024 का सीजन खेलेंगे तो उसमें पूरे 4 ओवर डालने वाले हैं। तो एक कन्फर्म ऑलराउंडर और एक पूरा ऑलराउंडर एमआई की टीम को मिलने वाले कंप्लीट पैकेज के साथ में। तो एमआई की टीम पेनी स्टॉक को हमें परचेस करते हुए इस ऑक्शन के अंदर नजर आ सकते हैं। और पेनी स्टॉक का इंग्लैंड के लिए अभी वनडे के अंदर काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। दोस्तों इंग्लैंड का जो वनडे मैच शुरू है अभी न्यूजीलैंड की टीम के साथ में, उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन हमें पेनी स्टॉक करते हुए नजर आई है। वनडे के अंदर T20 जैसा खेल रहे हैं, तो स्ट्राइक रेट भी और एवरेज भी काफी अच्छा रहा है पेनी स्टॉक का। तो हमें हो सकता है कि एमआई की जैसी टीम है, बड़ी टीम है, हमें पेनी स्टॉक के ऊपर बीटिंग करते हुए दिखे अगर चेन्नई की टीम की ओर से रिलीज होती है। तो वैसे आप लोगों की क्या राय है, एमआई की टीम को पेनी स्टॉक को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, तो आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, इससे पहले जो ऑक्शन हुआ उसमें भी हमें पेनी स्टॉक के पीछे जाती हुई मुंबई इंडियंस की टीम नजर आई थी, हालांकि अंत में जाके चेन्नई की टीम ने पेनी स्टॉक को परचेस कर लिया था। तो एक बार फिर से हमें पेनी स्टॉक के ऊपर बीडिंग करते हुए एमआई की टीम नजर आने वाली है। वैसे आप लोगों की क्या राय है तो कमेंट कर जरूर बता देना। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।